और मतलब के बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी सी। गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे फंस गया था बंदा पता नहीं, और उस तरफ से बैठने का ऑप्शन आएगा आई थिंक। काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग वाली जगह बनाई हुई है इन्होंने, और यहाँ से ऊपर चलते जाते हैं। अब इस तरफ से ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाके देखते हैं वहाँ से नज़ारा कैसा है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू इंडियन कार सिमुलेटर 3D पार्ट 2। और पिछले एपिसोड में हमने एक विलेज एरिया को एक्सप्लोर किया था, जो कि विलेज का मैप था, और वो बिल्कुल भी इंडियन नहीं था, सिर्फ कार्स इंडियन लग रही थी, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं ट्रक्स वगैरह और इन्वायरमेंट सारा ऑस्ट्रेलिया का लग रहा था, लकड़ी के मकान और ये सारी चीज़ें तो फेक सा लग रहा था, लेकिन जो भी है तो गाड़ियाँ सिर्फ इन्होंने इंडियन डाली हुई है, और ये गैराज वगैरह एड्स बहुत आ रहे हैं, और जो कि मोबाइल गेम्स में होता ही है। तो अभी प्ले करने वाले हम इससे, आज की वीडियो में ऐड की भी बात हो रही थी तो ऐड आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि आज की वीडियो में हम ये सिटी वाला मैप एक्सप्लोर करने वाले, विलेज वाला हो गया, फिर इसके बाद हम मिशंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे और नई नई गाड़ियाँ बाय करेंगे इस गेम के अंदर। तो सिटी वाले को लोड करते हैं, फिर से एक स्क्रीन रेडेड हो गई है, और ये बंदा अभी भी बनियान पहन के खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा फ्रैंकलिन की तरह लग रहा है। और सिटीज़ तो वाकई में सिटीज़ लग रही हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि नया नया शहर बनना शुरू हुआ है। इस तरफ बिल्डिंग्स थोड़ी सी मुकम्मल हैं, और इस तरफ भी ट्रक वही वाले चल रहे हैं, और इस तरफ सड़कें ही सड़कें हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह की जगह लग रही है, और इस तरफ वही घास वगैरह गांव वाला नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो लंदन ब्रिज उस तरफ नज़र आ रहा है, और गाड़ी अभी अभी स्पॉन हुई है वहाँ से, और मतलब के बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी सी। गाड़ी के अंदर इंटर करते हैं, यहाँ पे फंस गया था बंदा पता नहीं, और उस तरफ से बैठने का ऑप्शन आएगा आई थिंक। हाँ, अब आ रहा है ऑप्शन, ग्लिच हो गया था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अभी हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसी पास वाले एरिया का, ये जो पार्किंग का एरिया है, ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो हॉर्न बजा के अंदर घुस जाते हैं। काफ़ी लंबी छोड़ी पार्किंग वाली जगह बनाई हुई है इन्होंने, और यहाँ से ऊपर चलते जाते हैं। अब इस तरफ से ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाके देखते हैं वहाँ से नज़ारा कैसा है। अब इस तरफ जाना है, इस तरफ से ऊपर, तीसरे फ्लोर पे आ चुके हैं हम, ऊपर से चौथा फ्लोर, ये बड़े बड़े पायदान से लगाए हुए हैं ताकि बिल्डिंग गिर ना जाए। बहुत भारी भारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होंगी, इसलिए अभी पांचवे फ्लोर पे आ चुके हैं। बहुत ऊंची बिल्डिंग लग रही है, आई थिंक इन्फिनाइट है, नहीं अभी ये लास्ट इसके ऊपर रह गए। ये सबसे ऊपर वाला छत है, यहाँ से नीचे का नज़ारा नज़र आएगा सही। यहाँ पे और बिल्डिंग बनना अभी बाकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से बस आगे कुछ नहीं, यहाँ पे हम गाड़ी जाके रोक सकते हैं, फिर के उतर के देखते हैं, उतरते वक्त बस ऐड आता है, तो बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। गाड़ी ये क्या कहते हैं, सिटी बहुत ही फ्लिकर हो रही है, ग्लिच तो है इसमें, गेम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिच है। और ये नीचे ट्रक जा रहा है, वो गायब हो गया ट्रक अचानक से। और अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ भी पूरी की पूरी सिटी फ्लिकर हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, वो ये इनका टेक्सचर उस तरह का लग रहा है। ये गेम यूनिटी में बनी है, तो यहाँ पे सूरज की आप ये देख सकते हैं लेंस फ्लेयर, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही उस तरह का लग रहा है, वाई सिटी की तरह का, और ये पुरानी सैन एंड्रियास और वाई सिटी हुआ करती थी। और ये बंदा भी कुछ कुछ फ्रैंकलिन और सीजे का मिक्सचर सा लग रहा है। अब भी हम इस वाली गाड़ी में बैठ के यहाँ से मारते हैं छलांग, देखते हैं अब क्या होगा, यहाँ से गाड़ी गिरने पर टूटेगी या नहीं। यहाँ से गाड़ी के अंदर बैठते हैं,
बच्चा जिस साइड पे बंदा बैठा है उस साइड से गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते, और पिछली साइड पे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, हम सिर्फ अगली में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पीछे पीछे जाने के बाद एकदम से यहाँ से लेते हैं एक जंप, कुछ भी नहीं हुआ, रबड़ की गाड़ी है। फिर सड़कें वैसे नई नई सी बनी हुई हैं, अचानक से फिर से अंधेरा हो गया। इस वाली सड़क पे जाते हैं, ये कुछ हैवी ट्रैफिक वाली सड़क लग रही है। तीन तीन आने जाने के रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे, सामने से गाड़ी आ भी रही है, ऐसे जा भी रही है, ठोक भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, पार्किंग पे भी चला सकते हैं। हॉर्न देना चाहिए था, गाड़ी खुद ही आगे से हट जाती। अब बिल्कुल शहर के बीचों बीच जाके देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ से शहर के गाड़ी उलट भी जाती है, मुझे पता नहीं था, लेकिन कैमरा एंगल्स बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे पुल बना हुआ है बहुत ऊंचा बड़ा सा, इसके ऊपर से भी जा सकते हैं। सामने से भी गाड़ियाँ हॉर्न मारती हैं। यहाँ से फुल स्पीड पे जाते हैं, देखते हैं इसकी फुल स्पीड कितनी है। मतलब कि दोनों ही इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो 155 यहाँ पे शहर के अंदर गाड़ी हम फुल स्पीड पे चला सकते हैं। ये यहाँ पे एक सहूलत है, बस मोड़ आ जाता है तो स्पीड पे थोड़ा सा कमी हो जाती है। अब हम शहर से बाहर किसी इलाके में आ चुके हैं, गाड़ी उलट पुलट जाएगी, फिर से उलट पुलट होके सीधी हो जाती है, ये अच्छी बात है, रबड़ की बनी हुई है गाड़ी। हमने हॉर्न तो बजाया था, यहाँ पे गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं, पता नहीं क्यों। दोबारा से हम घूम के सिटी वाले एरिया में आ चुके हैं, थोड़ा सा बाहर से ये बाईपास सा बना हुआ था उससे दोबारा से हम सिटी के अंदर आ चुके हैं। अब ट्रक जा रहे हैं सामान लेके। ये वाली हॉस्टल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लग रही हैं, तो शायद हम इस वाले एरिया में जा नहीं सकते, यहाँ पे बंद है एरिया। यहाँ से जा सकते हैं अंदर, तो अंदर जाके देखते हैं हॉस्टल का एरिया। हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे तो ट्रैफिक भी नहीं है। तो ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं, ये किस तरह के हॉस्टल ही हॉस्टल बने हुए हैं सैकड़ों, और ये बिल्डिंग्स मतलब के बनी हुई हैं फ्लैट वगैरह। गाड़ी अटकी है, इतनी सी द्वार से ये बंदा जंप नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, साइड से जाना पड़ेगा कहीं से। ये वाली मेट्रो बस चोरी कर लेते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया अचानक से, तो हम और कोई बस चोरी करके नहीं चला सकते शायद। और लेफ्ट से गाड़ी के लेफ्ट साइड से बैठ सकते हैं, मतलब राइट साइड से। और किसी गाड़ी में बैठ भी नहीं सकते, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, मतलब सिर्फ अपनी गाड़ी हम चला सकते हैं। बस के अंदर नहीं बैठ सकता, ये वाली गाड़ियाँ शायद ख़राब हैं या क्या है। ये जो ट्रक चल के जा रहा है इसको हम, ये गाड़ियाँ पीछे फंस चुकी हैं यहाँ पे इस साइड पे। और मेरा करेक्टर भी यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया है। ये गाड़ी यहाँ से इशारा दे के राइड पे जाना चाह रही है, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा।
कि ये ट्रैफिक फंस गई है सिर्फ बस की वजह से, यहाँ पे तो मैं आया भी नहीं था, तो शायद यहाँ पे मेरी जो ये गाड़ी अटकी हुई है इस वजह से ये लोग यहाँ से जा नहीं सकते। तो इसी गाड़ी को हम निकालने की कोशिश करेंगे। निकल आई है, शुक्र है। अब हम चला के थोड़ा सा आगे की तरफ सैर करने के लिए जा सकते हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी चलाते हैं, बीच पे तो गाड़ियां हैं, इनको ओवरटेक करके चलते हैं सीधे। कोई रूल्स नहीं है वैसे यहाँ पे, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं लगी हुई, ना ही कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, तो जितना मर्जी आप यहाँ पे बस गाड़ी चला सकते हैं, एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बस इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, कोई दुकान वान है नहीं गाड़ी ख़रीदने वाली, हमें ये बस सेटिंग में जाके ही गाड़ी वाड़ी ख़रीदनी पड़ेगी। तो बस यही है सिटी एरिया यहाँ का। गाड़ी के बीच में से मैं निकल आया हूँ, तो कई बार आप गाड़ियों के बीच में से भी निकल के आ सकते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सेफ्टी के लिए इन्होंने यह सिस्टम खुद ही रखा हुआ है। अगर हम ऑयल टैंकर के साथ अगर हम कुछ करें तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा, ट्राई करते हैं। बस उसके टक्कर जाके मार देते हैं पीछे से। ये इसके कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, तो बस स्कैम को भी यहीं पे एंड करते हैं। कुछ खास है नहीं इस मैप के अंदर, बस ये सिटी है और कुछ गाड़ियां यहाँ पे ज़्यादा हैं गांव की निस्बत, और चल रही हैं, दरख्त कम हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं। हम मैप है काफ़ी बड़ा है, हम घूम के सिर्फ वहीं पे आ गए हैं, वो जो पार्किंग है ऊपर वाली के पास जहाँ से गेम स्टार्ट होती है वहीं पे आ गए। तो अंधेरा ही अंधेरा है बस। आई होप आपको ये नज़र आ रही होंगी चीज़ें। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी दिन हो गया, आप जाने का टाइम हो गया, तो ये दिन भी हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। ग्लिच्स भी हैं दूर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें मिस हो रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।